हेलो एवरीवन मैं नेहा शर्मा टीम मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेक्टिव लिटरेचर जो कि आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है क्यूँकी इस वीडियो में हमने आपके सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया है तो so इस वीडियो में एंड तक बने रहे सबसे पहले अगर हम आपके कंटेंट या सिलेबस की बात करते हैं तो यू हैव फोर यूनिट्स जिसमें फर्स्ट यूनिट है द एडवेंचर ऑफ द सोलिटरी साइक्लिस्ट बाय सर ऑथर कैन dial सेकेंड यूनिट है द मिनागरी बाय सारा दिंदु बनोपाध्याय थर्ड यूनिट है अ मदर इज अनाउंस्ड बाय अगा क्रिस्टी एंड फोर्थ यूनिट है द मदर्स इन बाय एडगर एलन पो अब अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस होम्स पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस इन द एडवेंचर ऑफ द सोलिटरी साइक्लिस्ट हाउ डू दीज क्वालिटीज हेल्प हिम सॉल्व द केस इसी के और में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द रोल ऑफ वॉटसन इन द एडवेंचर ऑफ द सोलिटरी साइक्लिस्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो एडवेंचर ऑफ द सोलिटरी साइक्लिस्ट है उसमें जो शर्लक होम्स है उनके किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की या एनालाइज करने का जो तरीका दिखाया गया है उसे डिस्कस करना है उसके बाद जो उनकी ये क्वालिटीज है वो उन्हें किस तरीके से हेल्प करती है उस केस को सोल्व करने में ये भी आपको बताना है इसी के और में जो ऑप्शन है उसमें आपसे पूछा गया है कि द एडवेंचर ऑफ द सोलिटरी साइक्लिस्ट में जो वटसन है उसका क्या रोल है उसको हमें डिस्क्राइब करना है इंट्रो की अगर बात करें तो जो एडवेंचर ऑफ द सोलिटरी साइक्लिस्ट है ये हमें उसी दौर में वापस ले जाती है जहाँ पर फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं फिक्शनल कैरेक्टर्स मतलब सब कुछ काल्पनिक यहाँ वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता रियलिटी की कोई चीजें नहीं है फिक्शनल मतलब सब कुछ इमेजिनरी करके बनाना शेरलोक होलम्स को इस फिक्शनल कैरेक्टर में मेन भूमिका में दिखाया गया है शेरलोक होम्स की जो ये स्टोरी लिखी है ये लिखी है सर ऑथर कैनअल डॉयल ने और इसे पहली बार पब्लिश किया गया था उन्नीस में अब अगर द एडवेंचर ऑफ द सोलिटरी साइक्लिस्ट की बात करें हम नॉर्मल सी एक स्टोरी है ये जो स्टोरी है ये सर ऑथर कॉनन डोयल द्वारा लिखी गई है ये एक कहानी है शेरलोक होलम्स की जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है जिसके चारों ओर ये स्टोरी घूमती है है। मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ बाकी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है तो आपको उसे समझने में ईजी रहेगा देखो इस कहानी में दिखाया गया है कि जो होम्स और वॉटसन है उसके पास वॉयलेट स्मिथ एक यंग वुमेन का नाम है वो आती है इन दोनों के पास और क्या कहती है मदद मांगती है मदद किस लिए मांगती है बिकॉज ऑफ मिस्टीरियस सीरीज ऑफ इवेंट्स कुछ ऐसे रहस्य जो उसे लगता है कि बहुत अलग है या वो उसको परेशान कर रहे तो ये मदद मांगती है उन्हीं चीजों के रिगार्डिंग इज अ अ म्यूजिक टीचर हु राइड्स हर हर बाइसिकल टू वर्क एंड हैज बीन फॉलोड बाय स्ट्रेंज मैन ऑन डेली स्मिथ जो है वो एक संगीत की शिक्षिका है जो काम करने के लिए साइकिल पर जाती है तो वो क्या कहती है कि जब वो साइकिल पर जाती है तो एक अजीब सा आदमी है वो उसका पीछा करता है उसके डेली रूट्स के दौरान वो जब भी आती जाती है तब

को पकड़ लेता है जो भी सिचुएशन थी उसे बंद कर देता है।, अगर आप लोगों ने है अब अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन और एनालिस की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका कीन ऑब्जर्वेशन कीन मतलब गहरा एकदम डेप्थ में जाके कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना तो जो होम्स है वो बहुत मेटिकुलस अटेंशन देता है नॉर्मल नॉर्मल डिटेल्स पे जैसा की वो क्या ऑब्जर्व करता है जो मिस स्मिथ है उनके बूथ पहनने का पैटर्न क्या है वो तो बाइसिकल जो ट्रैक्स हैं तो उसके टाइप्स क्या हैं किस तरीके से जो साइक्लिस्ट है उन्हें जो फॉलो करते हैं उनके क्या क्या निशानियां हैं वो ये जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन उसको ऑब्जर्व करता है और उसके बाद देखता है कि उससे केस में किस तरीके की हेल्प मिल सकती है उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग अब पूरा वो तर्क देता है किसी भी चीज को ना एनालाइज करता है पूरा जैसे कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन को जो भी वो अपनी ऑब्जर्वेशन करता है उसे एक एस्टीट्यूट रीजनिंग के साथ कंबाइन करता है कि उसने ये चीज़ जो है वो नोटिस की है तो इसका तर्क क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है वो ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए नॉलेज लेने के लिए जो मिस्टर कारतूस थे उनके प्रतिस्मित का क्या बिहेवियर है क्या चीजें हैं इन सबको भी नोटिस करता है उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जो भी उसको जानकारी मिली होती है उसके आधार पर कह सकते हो आप एक लॉजिकली कंक्लूजन निकालता है कि ठीक है ये सब है तो इसके बीच क्या है फिर वो देखता है नॉर्मल से चीज है जो मिस स्मिथ के एडमायर है जो उनके प्रशंसक है कौन थे वो मिस्टर वुडली उनका और मिस स्मिथ का क्या बिहेवियर है उनके बीच क्या लिंक्स है वो उनके एक्शन पे और उनके चीजों पर सब पे नोटिस करता है इसके अलावा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न को समझता है कि किस तरीके से ये कैरेक्टर है ये कैसा रोल प्ले कर रहा है मतलब ये क्या है ये कैसे है वो इन सारी चीजों को देखता है अटेंशन टू डिटेल जो भी उसे डिटेल मिलती है चाहे वो कितनी भी छोटी हो नो मैटर हाउ स्मॉल वो हर डिटेल पर ध्यान देता है हर छोटी से छोटी चीज पर भी वो ध्यान देता है किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करता जैसे कि पैरों के निशान हो गए या कोई मिट्टी मिली है उसके नमूने हो गए जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का कैरेक्टर क्या है उसके बात करने का क्या तरीका है वो इन सारी चीजों को भी देखता है उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग वो तुरंत ही डिले नहीं करता वो किसी भी इंफॉर्मेशन पे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलते तुरंत उस पर फैसला लेता है वॉटसन की अगर रोल की बात करते हैं इसमें तो हमें पता चलेगा डॉक्टर जॉन एच वाटसन वो एक क्लोज फ्रेंड थे ऑब्वियसली शर्लोक होम्स के एक बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे और क्रॉनिकल मतलब होता है इतिहासकार जिसे हम इंग्लिश में हिस्टोरियन भी कहते हैं वो ये भी थे इसके अलावा अगर हम इस पर बात करते हैं तो ये दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो वॉटसन है वो क्या है एक नेरेटर है नेरेटर मतलब कहानी सुनाने वाला वो क्या करता है जो भी इवेंट्स हुए हैं जो भी घटनाएं हुई है उसको बताता है अब इसके अलावा जो मिस वॉयलेट स्मिथ है और जो भी वो अपनी सस्पिशियस चीजें लेकर आईती है जो भी उनके चारों और सस्पिशियस चीज होती है इस मिस्ट्री को सुलझाने में वो होम्स की क्या करता है काफी ज्यादा मदद करता है इसके अलावा अगर मैं बात करूं वटसन सर्व्स एज होम्स कंपेनियन थ्रू आउट मेनी ऑफ द शर्ल होम स्टोरी कहानियां और मामलों पर नजर रखता है और जो भी होम्स जानकारी लाता है वो जिस भी तरीके से जांच कर रहा है वो उसमें उसकी पूरी हेल्प करता है यानी कि आप वॉटसन की अगर रोल की बात करोगे तो ये काफी ज्यादा मल्टी फेसेज आपको दिखाएगा क्योंकि बहुआयाम है हर चीज में उसकी मदद करता है ये पर स्थान पर होम्स के साथ जाता है उसके साथ जानकारी इकट्ठा करने में उसकी मदद करता है फिर उसके बाद जब जानकारी मिल जाती है तो जब होम्स किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है या कोई बात कहता है 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 तो ये उसमें भी उसकी सहायता करता है कि हां, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं ऐसे वो पूरी जितनी मिस्ट्री उसे उसे मिलती सुलझाने में उसे सोल्व करने में उसकी काफी ज्यादा मदद करता है और इसीलिए इस पूरी कहानी में वो उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आप देखोगे की पूरी कहानी में होम्स के साथ वॉटसन की बातचीत पूरी दिखाई गई है कि वो किस तरीके से जासूसी कर रहे हैं किस तरीके से बात को तो दिखा रहे हैं पूरी कहानी में ये दोनों बिल्कुल आपस में कनेक्टेड दिखाए गए हैं और होम्स जो वॉटसन की तारीफ करता है या उसको बहुत ज्यादा अपने लिए ब्रिलियंस के रूप में मानता है तो ये नॉर्मल सी बात है और ये करता भी है क्यों क्योंकि जो होम्स है वो खुद वॉटसन के जो तरीके हैं जो उसकी ब्रिलियंस पावर है जासूसी करने की उन सब पर आश्चर्यचकित है मतलब शॉक्ड है कि ये कैसे हो सकता है तो इसीलिए एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट की जो वॉटसन है उसकी भूमिका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो शर्लग होम्स का एक ट्रस्टेबल फ्रेंड है जो उसकी हर चीज में हेल्प करता है और पूरी मिस्टीरियस स्टोरी में उस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करता है क्वेश्चन नंबर टू है डस आर्थर कैनल डॉल्स और ऑफ द न्यू इन इनलेट स्मिथ क्वेश्चन द जेंडर नॉर्म्स एंड स्टेट इम्पोज डिस्कस देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो आर्थर डॉल्स हैं उन्होंने स्मिथ के अंदर किसी नई वूमेन को दिखाया जो भी समाज में जेंडर्स को लेके नॉर्म्स चलते हैं जो मतलब सोसाइटी के अंदर वुमेन को दबाया जाता है जो ऐसी सोसाइटी को चैलेंज कर रही हो या उस उसपे क्वेश्चन उठा रही हो तो हमें इसी चीज को डिस्कस करना अगर हम बात करते हैं द एडवेंचर ऑफ द सोलिटरी साइक्लिस्ट की वॉयलेट्स स्मिथ को ऑब्वियसली एक न्यू वुमेन के अंदर दिखाया है जो कि एक इंडिपेंडेंट वूमेन होती है और ये दिखाता है 19 और 20 सेंचुरी जब चल रही थी जब 19 खत्म हो रही थी या 20 शुरू हो रही थी तो उस वक्त किस तरीके से जो सोसाइटी नॉर्म्स थे वो बदल रहे थे द न्यू वुमेन चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एडवोकेटिंग फॉर इंडिपेंडेंस जो न्यू वुमेन थी वो जितने भी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स चल रहे थे उन सबको चैलेंज कर रही थी और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी एजुकेशन के लिए और अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए लड़ रही थी और जो ये डोमेस्टिक स्पेयर्स होते हैं जो ये घरेलू काम होते हैं इन सब से पीछे हट रही थी अब अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी जिसकी वजह से हम ये कहें कि जो वॉलिट स्मिथ है वो एक न्यू वुमेन थी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंस एंड एजेंसी ऑब्वियसली जो वॉलिट स्मिथ का इसमें कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड लड़की का दिखाया गया है जो अपनी धुन में रहती है स्वतंत्रता है उसके पास फ्री माइंड रहती है किसी के दबाव में नहीं रहती उसका खुद का डिसीजन था कि उसे म्यूजिक टीचर के रूप में काम करना है तो वो कर रही थी उसने अपने पाथ को खुद बनाया और उसी पाथ को वो फॉलो कर रही थी और उसने जो इंटेलिजेंट वुमेन के, के।, के रूप में दिखाया जो कैपेबल है अपने काम करने के लिए उसको कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं दिखाया कि भाई वो डरी हुई या दब्बू स्वभाव की लड़की नहीं जब उसे ऐसा फील हुआ कि भाई उसके पीछे कोई है या उसको कोई रोज फॉलो कर रहा है तो तुरंत शेडलोग होम्स के पास गई बात की और हेल्प मांगी तो ये भी दिखाता है कि अब वो कोई हेल्पलेस वुमेन नहीं थी कि हम कुछ नहीं कर सकते हम वुमेन कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा वो ऐसी वुमेन नहीं थी उसने तुरंत जब इन चीजों को नोटिस किया तो तुरंत एक स्टेप उठाया और शेडलोक होम्स के पास गई तो उससे पता चलता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट और कैपेबल थी इसके बाद है रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल मैरिज आइडियाज इसमें उन्होंने क्या बोला गया कि जो वॉयलेट थी वो सोसाइटल प्रेशर के अंदर आके कोई शादीवादी को नहीं मानती थी क्योंकि कभी कभी क्या होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या फिर समाज के स्टेटस के लिए लड़कियों पर प्रेशर आता मैरिज के लिए बट वो इन सब के पूरे खिलाफ थी वो ये कहती थी अगर सिर्फ सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी रीजन के लिए हमें किसी के साथ डीप कनेक्शन बनाकर उससे शादी करनी पड़े तो वो इस आइडिया को रिजेक्ट करती थी वो कहती थी कि वुमेन के लिए शादी अल्टीमेट गोल नहीं है ऐसा नहीं है कि शादी ही महिलाओं के लिए अंतिम लक्ष्य है कि अगर आप किसी से

पोर्ट्रेट यहाँ पर हमें दिखाया है जो उसे पोर्ट्रेल किया है उसमें हमें सोसाइटी के जो डायनेमिक्स है उसे चेंज करते हुए दिखाया गया है जो उसका कैरेक्टर इसके अंतर्गत दिखाया गया है वो दिखाता है कि समाज में जो महिला है उनकी जो भूमिकाएं हैं वो बदल रही है अब वो स्वतंत्रता की डिमांड कर रही है अब वो सीमित दायरे में नहीं रहना चाहती अब वो पूरी मर्जी से उनके पास ये क्षमता है या वो इतने कैपेबल है कि वो खुद के लिए लड़ाई लड़ सके खुद के लिए चॉइसेस बना सके उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हुई ऑब्वियसली वॉलेट्स में उसका डिजायर था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का कि वो फाइनेंशियल रूप से काफी ज्यादा स्वतंत्र रहे इसीलिए उन्होंने खुद की आजीविका कमाने के लिए अपने प्रोफेशन को चुना म्यूजिक टीचर बनी जो कन्वेंशनल बिलीफ है या जो ये ट्रेडिशनल बिलीफ है उन सब से लड़ी ये मैन पे डिपेंड नहीं हुई फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कि शादी कर लो फिर हमारा खर्चा कोई और उठा लेगा नहीं बल्कि इन्होंने खुद को इतना कैपेबल बनाया खुद अर्निंग करनी शुरू करी जो उन्हें एक न्यू वुमेन के रूप में दिखाता है सो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट की ऑब्वियसली जो वॉयलेट स्मिथ है वो एक न्यू कैरेक्टर एक न्यू वुमेन के रूप में हमारे सामने आई जिसने सारे जेंडर नॉर्म्स को सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को चैलेंज किया इसी के साथ साथ उसे एक इंटेलिजेंट कैपेबल करेज और रिप्रेजेंटेशन वुमेन दिखाया गया आप कह सकते हो सोसाइटी के नॉर्म्स चल रहे हैं इन सब के खिलाफ इन सबके अगेंस्ट जाके अपने करियर को चूज किया एक इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में खुद को चेंज किया क्वेश्चन नंबर थ्री है एनालाइज इंस्पेक्टर सिग्निफिकेन्स ऑफ द स्टोरी द मिनाग्री तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो द मैनेग्री में इंस्पेक्टर थे प्रमोद बारात उनकी क्या भूमिका थी क्या रोल उन्होंने प्ले किया है और क्या वो में एबल थे कि उन्हें जासूसी जो ये स्टोरीज़ हैं जो ये डिटेक्टिव फिक्शन है उसमें जो ये स्टेरोटाइप होता है रूढ़िवादिता होती है उससे वो उस पुलिस फोर्स को दूर करने में सक्षम थे और इसी के और में आपसे पूछा गया है कि जो अजीत का कैरेक्टर दिखाया है स्टोरी में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है जो द मिनागरी है वो सरा दिंदु बनोपाध्याय की एक बंगाली डिटेक्टिव स्टोरी यानी कि बंगाली जासूसी कहानी है जिसमें जो मुख्य भूमिका निभाई है वो ब्योमकेश बख्शी ने निभाई है ये एक मिस्टीरियस मर्डर की स्टोरी है जो कहाँ पर हुआ था मिनागरे में मिनागरे एक, एक ऐसी जगह है जहाँ पर केज्ड एनिमल्स का कलेक्शन होता है यानी कि कैद किए गए जानवरों का जिन्हें पिंजरे में बंद किया जाता है तो वहां होता है ये अब अगर हम बात करें व्योमेश बख्शी ट्यूट डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट्स द केस व्योमेश बख्शी जो कि एक एसटीट्यूड डिटेक्टिव मतलब बहुत ज्यादा चतुर या चलाक जासूस वो इस मामले की पूरी जांच करता है अनरेवलिंग लेयर ऑफ डिसेप्शन सीक्रेट एंड हिंडन मोटिव द दिनाग्रे स्टाफ एंड द जमीदार फैमिली और वो जो मैनागरी में काम करने वाले कर्मचारी हैं और जो जमींदार का परिवार है उनके बीच कोई धोखा कोई मिस्ट्री या फिर उन सब के मन में कोई मोटिव छुपाओ उन सारी चीजों को जानने की कोशिश करता है द स्टोरी इज नोन फॉर इट्स सस्पेंसफुल प्लॉट क्लेवर डिडक्शन एंड इंट्रेट प्रोट्रियल ऑफ कैरेक्टर बंदोपाध्याय राइटिंग स्किल एंड द इंटीग्रेट वैब ऑफ क्लूज मेक दिसपेबिलिटी रीड फॉर मिस्ट्री एंथ्यूसिया अगर हम इसमें एक बात करें तो ये कि जो ये कहानी है ये अपनी एक मिस्टीरियस स्टोरी और जिस तरीके से जिस चतुराई से इसको ढूंढा गया कंक्लूड किया गया उस चीज के लिए जानी जाती है अब अगर हम इंस्पेक्टर प्रमोद का रोल देखे मीनागरी में, में अगर हम इनके रोल की बात करें तो ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ जो द मैनेग्री में इंस्पेक्टर प्रमोद है जो पुलिस फोर्स होती है उसके रिप्रेजेंटेटिव थे और ब्योमकेश बख्शी हैं उनके साथ जासूसी करते हैं उनके साथ इस केस में आगे बढ़ते हैं किसके साथ ब्योमकेश बख्शी के साथ इनके रोल की बात करें कि इनका क्या रोल था देखो ये शुरू में अपनी जॉब को लेके काफी सीरियस थे इन्होंने बहुत गंभीरता से काम किया इसके अलावा ये क्या करते थे व्योमकेश बख्शी के साथ इन्होंने बहुत सहयोग किया बहुत हेल्प की उनकी सारे केस को सॉल्व करने में और जो भी व्योमकेश उन्हें बताता कि हमें ये क्लूज मिले या फिर हम इस तरीके से सोच सकते हैं ये उस पर विचार करते थे और उसका साथ देते थे इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें पता चलेगा जब प्रमोद थे सिर्फ स्किल वगैरह पे ध्यान नहीं देते थे वो क्या करते थे उस पर दिखाया गया है कि वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स और जितनी भी डिटेल होती थी उस पर पूरा अटेंशन देते थे पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से वो सारे एविडेंस को सारे जो भी उन्हें क्ल्यू मिलते थे पीसेस मिलते थे उन सबको जोड़ते थे और फिर केस को सॉल्व करने की कोशिश करते थे हिज अप्रोच इज मैथोडिकल उनका जो मैथड था वो बहुत लॉजिकली किसी भी चीज को डिडक्ट करते थे बहुत ज्यादा तर्क वगैरह करते थे और उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचते थे इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोद बराज जो कैरेक्टर दिखाया गया है ये काफी डीप कैरेक्टर दिखाया गया है क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है उसमें कुछ खामियां हैं कुछ कमियां हैं उसमें लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो ट्रस्टेबल है और रिलेटेबल है उसने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है लेकिन फिर भी को ढूंढता है और उसकी पूरी हेल्प करता है और स्टोरी में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से एक ट्रेडिशनल डिटेक्टिव के रूप में वो काम करता है इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें कि वो अदर कैरेक्टर जो होते हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन करता है अपने सस्पेक्ट ढूंढता है कलिक्स वगैरह सबको समझता है और ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश करता है वो सारे रिलेशनशिप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता बल्कि हर एक को इन्वेस्टिगेट करता है तो इससे हमें ही पता चलता है कि जो हमारे व्योमकेश है उनके साथ किस तरीके से डिटेक्टिव का रोल प्ले करता है इसके अलावा अब अगर हम अजीत अजीत के कैरेक्टर कैरेक्टर को ध्यान दें कि का क्या था फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट सबसे पहले वो फ्रेंडली था और कॉन्फिडेंट था जो अजीत है वो क्लोज फ्रेंड था और कॉन्फिडेंट था किसका जो हमारे स्टोरी का प्रोटेगोनिस्ट की या फिर कोई भी की कैरेक्टर ले लें उन सबका ट्रस्टेबल था और कॉन्फिडेंट फ्रेंड था इसमें ज्यादा कुछ इसमें बताया नहीं गया बस ये बताया गया कि ये जो भी ये बातचीत करता था उससे ये सामने वाले के विचारों को भावनाओं और प्रेरणाओं को उन पर एक शेड लाइट डालता था यानी कि उन पर प्रकाश डालता था इसके अलावा अगर हम इसके कल्चरल इनसाइट की बात करें तो जहां जहां स्टोरी में हमें कल्चरल एलिमेंट्स मिले वहां अजीत की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें दिखी है उसका जो कैरेक्टर था उस उसमें ट्रेडिशन बिलीफ और सोशल नॉर्म्स जो भी होते थे वो सब कुछ एड होते थे जिसने स्टोरी की सेटिंग्स को एक रिचनेस है उसको ऑथेंसिटी है इसके अलावा सपोर्टिंग द प्रोटेगोनिस्ट अजीत ने एक्टिवली सपोर्ट किया प्रोटेगोनिस्ट को हर एक वे में काफी ज्यादा तरीकों से किया ठीक है चाहे वो एडवाइस देने के टाइम पे हो चाहे वो उसका फिजिकल असिस्टेंट बनके उसने काम किया हो चाहे इमोशनली तरीके से उसे इनकरेज करना हो उसने हर चीज से प्रोटेगोनिस्ट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है इसके अलावा फॉइलिंग और कम्प्लीमेंटिंग दोटेगोनिस्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप ये देखोगे समटाइम्स अजीत का जो कैरेक्टर है वो ऐसा दिखाया गया लाइक अ फॉइल और अ कंट्रास्ट टू पेट्रोगोनिट स्टेट्स और एक्शन कभी उसके साथ कभी उसके साथ नहीं लेकिन इसमें ये चीज दिखाई गई है कि जो कंट्रास्ट दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि जो प्रोटेगोनिस्ट की पर्सनैलिटी है वो मेन कैरेक्टर को समझने से ज्यादा की है जो अजीत था वो उसकी स्किल्स उसकी क्वालिटीज हर चीज को प्रोवाइड करता था जो जो उसमें कमियां थी वो उस कमियां को पूरी करता था देन नेरेटिव कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं जो अजीत है वो कहानी में जो कुछ घटनाएं घटी है ना उसमें उसने कैटलिस्ट की तरह काम किया है यानी कि उसने अपने एक्शन यानी कि अपने वर्क अपने कार्यों से अपने निर्णयों से अपने डिसीजन से और अपने रिलेशनशिप से जो स्टोरी का प्लॉट है उसे थोड़ा आगे बढ़ाया कि जो प्रेजेंस थी वो स्टोरी में चेंजेस और चैलेंजेस दोनों को लेकर आ रही थी जिससे जो नेगेटिव है उसे न्यू डायरेक्शन मिली तो एट द एंड वी कैन से दैट की जो अजीत का रोल है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है इसमें वो एक मल्टीफेसिड रोल उसने प्ले किया है लेकिन उसका एक वाइटल रोल है इसमें तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो इंस्पेक्टर प्रमोद थे दिनागरे में वो एक टेंट एंड कोलोबरेटिव पुलिस ऑफिसर थे जिनका जो मैथड था किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने का वो काफी ज्यादा अलग था और ऐसे ही अजीत की अगर हम बात करते तो ये भी एक मल्टीफेस्टेटेड सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है इस स्टोरी के अंदर जिसने रोटेगोनिस्ट का हमेशा सपोर्ट किया उसका हमेशा साथ दिया क्वेश्चन नंबर फोर है राइट अ नोट ऑन द टाइटल ऑफ अ मर्डर इज अनाउंसड बाय अगाथा क्रिस्टी इसी के और में है राइट द डिटेक्टिव टेक्निक यूज बायारफुल इन अ मर्डर इज अनाउंस्ड फिर इसके और में क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट लोकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट इज द लोकेशन ऑफ चिंपिंग क्लेगोन इन क्रिस्टीज अमर्डर इज अनाउंसड तो आपसे तीन क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टाइटल है मर्डर इज तो उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है इसके अलावा आपको मिस मार्फल ने अ मर्डर इज अनाउंसड में क्या क्या डिटेक्टिव टेक्निक्स यूज की थी उसको बताना है और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो लोकेशन होती है वो किसी भी डिटेक्टिव स्टोरी में कैसा रोल प्ले करती है क्या वो सच में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपको चिपिंग क्लेगोन की जो लोकेशन है जो मर्डर इज अनाउंस के अंदर दिखाई गई है उसकी इम्पोर्टेंस को बताना है इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो एक मर्डर इज अनाउंस एक कैपिटिवेटिंग मर्डर मिस्ट्री है जिसको लिखा था ब्रिटिश ऑथर अगाथा क्रिस्टी ने ये पब्लिश हुई थी नाइनटीन में इसमें जो फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर है जिसने इस केस को जासूसी करके सोल्व किया वो मिस मार्फल का जिन्होंने इस केस को संभाला और एंड में ट्रूथ निकाला अगर अ मर्डर तो क्या है अगाथा क्रिस्टी ने अमर्डर इज अनाउंस को लिखा था ये एक क्लासिकल मिस्ट्री नॉवल है जिसमे अगर हम फीचरिंग या हम बात करें फेमस डिटेक्टिव की तो मिस मार्फल ने इसमें फेमस डिटेक्टिव की जो भूमिका है वो निभाई है एक एडवर्टाइजमेंट आता है स्टोरी के घोषणा मतलब की, की गई है ये शुक्रवार उन्तीस अक्टूबर को शाम को साढ़े बजे होगी और कहा पर होगी लिटिल पेडलॉग में फ्रेंड्स प्लीज असेप्ट दिस द ओनली इंटीमेशन और दोस्तों इसे अक्सेप्ट करो इसे स्वीकार करो क्योंकि यही एकमात्र सूचना और ये होगा द स्टोरी सेंटर अराउंड एन अनाउंसमेंट इन द लोकल न्यूज पेपर अनाउंसिंग शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम एट रेजिडेंस ऑफ लिटिटिया ब्लैकलॉक अब इसमें क्या बताया गया ये स्थानीय समाचार में यह घोषणा हो गई कि हत्या होगी और जो गांव का सबसे सम्मानित परिवार है लिटेटिया ब्लैकलॉक वहां पर होगी अब जिज्ञासु जो शहरवासी थे वो काफी ज्यादा कि अच्छा ऐसे कैसे होगा ये कोई खेल है या फिर ये कोई नाटक है तो इस चीज में वो लेटिटिया के घर पर इकट्ठा हो गए लेकिन जैसे ही जो घड़ी थी वो अपने टाइम पर पहुंची बिल्कुल ठीक साढ़े छह बजे वैसे सारी जो लाइट्स थी वो बंद हो गई अब जो लाइट्स बंद हुई तो सभी एकदम से चौक गए और तभी वहां पर एक वास्तविक हत्या हो गई जहाँ पर सभी लोग चौक जाते हैं ये देख करके हम सब यही थे यहाँ पर हत्या हो गई और जिसने ये किया वो एक मिस्टीरियस इंट्रूडर निकला और ये जो स्टोरी है इसी मर्डर के चारों ओर घूमती है मिस मिसमार्फल की अगर बात करें तो अगाता क्रिस्टी ने इन्हें एक क्लेवर और ऑब्जर्वेंट डिटेक्टिव दिखाया है जो इस केस को ज्वाइन करती है और अपनी इंटेलिजेंस पावर को और ह्यूमन नेचर को समझ कर, वो छोटे छोटे पीसेज में इस कहानी को समझती है क्ल्यूज को जोड़ती है और सारे लाइज सीक्रेट जितने भी हिडन रिलेशनशिप थे गांव के अंदर उन सबको अनकवर करती है यानी कि उजागर करती है विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील करती है उसका रिलेशनशिप क्या था गांव के लोगों के साथ पास्ट के इवेंट्स क्या हुए हैं इन सारी चीजों को ढूंढती है और एंड में विक्टिम का पता लगाती है तो यही थी आपकी स्टोरी अब अगर हम इसमें तो, सबसे पहले तो देखो, मिस मार्फल ने छोटी -छोटी डिटेल्स पर भी चाहे वो कितनी छोटी डिटेल हो सब पे अटेंशन दी यानी सब पे ध्यान दिया उन्होंने लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जितनी इसेंशियल यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन वो ले सकती थी उन्होंने लिया इसके अलावा जब भी वो किसी से इन्फॉर्मेशन

माने एक पैरेलल चीज करी है पैरेलल चीज क्या करी जो भी इन्हें उनके करंट केस यानी कि प्रेजेंट केस में कुछ भी मिलता-जुलता अगर उन्हें उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से लगता तो वो क्या करती अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को अपने पास्ट के केसेस से मैच करती रिलेट करती और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती उसी सिमिलैरिटीज ढूंढती कि क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है देन कोचिंग एंड लिसनिंग मिस मार्फल बहुत ज्यादा एस्टिट्यूड क्वेश्चन पूछती थी एस्टिट्यूट मतलब काफी ज्यादा चलाकी वाले या ऐसे क्वेश्चन जिसमें से सामने वाला घबरा जाए तो क्या हुआ वो चलाक से क्वेश्चन पूछती उसके बाद जो भी सस्पेक्ट या विटनेस होते उनसे जो जवाब आता उसे बहुत ध्यान से एकदम एक्टिवली सुनती इतना ध्यान से सुनने के बाद जितने भी स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन होते थे या जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती थी जो भी स्टेटमेंट मिलती थी वो हर एक स्टेटमेंट को हर एक इंफॉर्मेशन को जोड़ती और रुद का पता लगाती अब नेक्स्ट हमसे से पूछा था लोकेशन का कि लोकेशन कैसे कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्सोल्युटली कोई भी डिटेक्टिव स्टोरी हो उसमें लोकेशन तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही है है ना तो ऐसे ही यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया This English village embodies the essence of traditional जो ये गाँव था, था, मतलब था काफी ज्यादा अनोखा गाँव था मतलब काफी अनोखा इंग्लिश विलेज था अंग्रेजी गाँव था जहां पर अलग अलग ट्रेडिशन थे पारंपरिक तरीके थे सारे समुदाय जो थे वो मिलकर रहते थे लेकिन सबको दूर से देखते तो लगते वाओ कितनी अच्छी कम्युनिटीज़ है मिलके रहती हैं बहुत अच्छा है सब साथ रहते लेकिन जो कि हैप्पी और एनर्जिक से भरी लाइफ चल रही थी इन सबके नीचे कुछ ना कुछ जो मिस्ट्रीज है या कुछ ना कुछ जो सीक्रेट्स है वो छुपे हुए थे इसके अलावा प्रोक्सिमिटी और फैमिलिरिटी की यहाँ पे बात हुई कि यानी कि चाहे यहाँ के निवासियों और यहाँ की निकटता के बीच जितनी भी चीजें हमें दिखती है वो ये बताती है की इतनी सुरक्षित जगह पर जो हत्या हुई है वो कैसे हुई है वो इस सदमे को बढ़ा देती है की कैसे हो गई इसके अलावा द सेटिंग बिकम्स अरेक्टर इट सेल्फ श्राउडेड इन इट्स ऑन मिस्ट्रीज रिफ्लेक्टिंग द हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड टू इस Unfold within seemingly tranquil borders. अब इसके अलावा, जो, जो खुद ही एक सीक्रेट या मिस्ट्री में डूबी हुई है अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज वाले ट्विस्ट आते हैं एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आते हैं जो हमें पता चलता है शांत सिर्फ सीमा होती है लेकिन उसके अंदर भी एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट अगाथा क्रिस्टी ने जो ये नॉवल लिखी है या जो इसमें बताया है उसमें मिस माफिल का तो कैरेक्टर ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है उन्होंने टेक्निक यूज करके इस केस को सॉल्व किया लेकिन उसी के साथ साथ जो लोकेशन होती है उसका इम्पोर्टेंट रोल ऑब्वियसली होता है क्राइम सीन क्या है उस जगह पर ऐसा क्यों हुआ किस लिए हुआ किस वजह से हुआ ये सारी चीजें क्राइम सीन पर ही डिपेंड करती है जो की पता लगना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव है वट इज पिक्यूलियर अबाउट द मर्डर्स इन एडगर एलन एलनपोज द मर्डर इन द र्यू मॉग्यू जो आपकी ये नॉवल है मर्डर द र्यू मॉर्गे तो इसमें जो ये मर्डर्स हुए थे उसमें अनोखा क्या था अगर हम इंट्रो की बात करते हैं तो देखो पॉइज मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग्यूज था इन शॉर्ट स्टोरी इन द डिटेक्टिव फिक्शन तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी एक जासूसी की एक लघु कहानी थी ओरिजिनल टाइटल मर्डर्स इन द र्यू ट्रायन वॉज पब्लिश इन द ईयर दर इन ग्राम्स लेडी एंड द जेंटलमैन मैगजीन अंडर द नेम मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग्यू टू बेटर एसोसिएट विद द विदीम जो ये कहानी थी वो एटीन में इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था मर्डर्स इन द र्यू ट्रायटीन फोर्टी में रिलीज की गई थी कॉन्सेप्ट मैगजीन में ग्राहम की लेडीज एंड जेंटलमैन मैगजीन में बाद में इसे थीम के साथ जो था, मैच कर रहा था, में रहने वाली दो महिलाओं का एक ने ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे जिनके पास एनालिटिकल स्किल्स थी और उन्होंने इस मर्डर स्टोरी को सोल्व किया था अब अगर हम बात करते हैं द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग्यू इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी एंड इट इज

उस केस को एक अनकन्वेंशनल मैनर से देखा जिस मैनर से सब देख रहे थे उससे नहीं देखा एक थोड़ा सा अलग तरीके से देखा इन्होंने, इन्होंने अपराधी जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से सोचा और अपनी रीजनिंग स्किल्स और एबिलिटीज से ये देखा कि, कि किस तरीके से ऐसा कोई कर सकता है देन यूज ऑफ द अनयूजल डिटेल ने अटेंशन की किस पे जो इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स थी ना उन सबको भी उसने देखा जो काम की नहीं थी लेकिन उसने उन सबको भी देखा हर एक चीज पर उसने ध्यान

औना गुटन ने किया ये एक जानवर होता है और गुटान ने इस मर्डर को किया है ये दिखाता है कि किस तरीके से हम एक्शन करते हैं और एंड में निकलता क्या एक ट्विस्ट तो यही सोचेगा इंसान ने मारा है, बदले के लिए मारा है। लेकिन एंड में क्या निकलता है कि इसे एक एनिमल ने मारा फोकस ऑन रेशनलिटी एंड लॉजिक रेशनैलिटी और लॉजिक पे थोड़ा फोकस किया जाता है की अपराध को सुलझाने में किस तरीके से एक रैशनल थिंकिंग की नीड होती है तर्कसंगत जो सोच होती है जैसे की इसमें दिखाया गया डुपिंस ने डुपिन ने सिर्फ एविडेंस या विटनेस जो गवाह देने वाले होते हैं उन पर

वहीं फिर अपार्टमेंट में छिप गया और किसी को पता भी नहीं चला तो बस एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि किसी भी स्टोरी में क्राइम सीन जो होता है या आसपास की जो चीजें होती काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हर एक को अटेंशन की बात हो, फिर एक ट्विस्ट की बात हो स्टोरी में हर एक चीज को दिखाया गया है एंड जो इसका दिखाया गया वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल था बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इसका ये एंड निकलेगा तो इन सारी चीजों को जो एडगर एलन पोज है उन्होंने अपनी नॉवल में दिखाया है थी ये एक मास्टर पीस मिस्ट्रीज स्टोरी के रूप में सबको मिली थी क्वेश्चन नंबर सिक्स है देयर आर सेवरल कॉमन फीचर इन द डिटेक्टिव स्टोरी जेनर कमेंट इसमें बोला है कि जो डिटेक्टिव स्टोरी होती है जो जासूसी वाली कहानियां होती है उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं तो आपको उन्हीं कॉमन फीचर्स को डिस्कस करना है द डिटेक्टिव स्टोरी जेनर इज अ फैसिनेटिंग फील्ड वेयर मिस्ट्रीज पजल्स एन इंट्रीग्यूट यानी कि जो डिटेक्टिव स्टोरीज होती है जो जासूसी कहानियां होती है वो काफी ज्यादा देखो आकर्षित होती है क्यों क्योंकि वहां पर पजल्स होते हैं साजिशें होती हैं इसके अलावा मिस्ट्रीज यानी कि रहस्य होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है तो पढ़ने वाले को काफी ज्यादा मजा आता है कि इसके बाद क्या होगा ऐसे कैसे होगा इसमें काफी दिखाया जाता है इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं सबके अपने अपने यूनिक ट्रिक्स होती है जिनके द्वारा वो उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं अपने अपने मैथड से और बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिडक्टिव रीजनिंग क्वालिटी की उनकी जो जासूसी करने की कला है उनके द्वारा इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें जो ये जेनर है उसमें एक डाइवर्स कास्ट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द चार्मिंग जीनियस ऑफ शेरल होम्स टू द ग्रिम रिलीजम ऑफ हार्ड बॉल डिटेक्टिव लाइक फिलिप मार्लो अब इसमें क्या बोला गया है कि जो ये जेनर है ये सबको रिप्रेजेंट करती है जैसे कि शेरलक होम्स जो कि इतना ज्यादा जीनियस और इतना अट्रैक्टिव डिटेक्टर था उससे लेकर यहाँ पर फिलिप मार्लो जैसे हार्ड उबले जासूसों के बारे में भी बताता है तो इसने थोड़ा सा कम्पेरिजन बताया की देखो बड़े से बड़े जीनियस लोगों का भी और हार्ड बॉल डिटेक्टिव फिलिप मार्लोवे जैसे लोगों की भी ये बात करता है अब अगर फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले डिटेक्टिव प्रोटेगोनिस्ट ऑब्वियसली बात है देखो सेंट्रल कैरेक्टर जो इसमें होता है वो इन्वेस्टिगेटर ही होता है जो क्या करता है किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी पजल और मिस्ट्री को सोल्व करता है वो अपनी स्किल्स अपनी लॉजिकल रीजनिंग और भी जो उसकी क्वालिटीज या उसकी स्किल्स होती है उससे उन पजल्स को और उस मिस्ट्री को सोल्व करता है जैसे कि आपको पता है शेर लुक होम्स हो गया हरक्यूलेप कॉयरेट हो गया मिस मार्फिले हो गई ये सारे आइकॉनिक एग्जाम्पल है इस चीज की फिर अ मिस्ट्री और अ क्राइम देखो हर डिटेक्टिव स्टोरी में या तो मिस्ट्री होती है या क्राइम होता है या तो कोई रहस्य खुलता है एंड में या फिर पता चलता है कि मर्डर हुआ है और इसी चीज को सॉल्व करते हैं अब चाहे वो मर्डर हुआ हो चाहे चोरी हुई हो चाहे किसी का किडनेप हुआ हो कोई गायब हुआ हो या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई भी पजल हो इन सबको उन्हें क्या करना होता है सोल्व करना होता है इसके अलावा क्लूज एंड रेड हेयरिंग्स अब जो स्टोरी है वो क्ल्यूज के भी तो राउंड ऑफ घूमती है जितने भी डिटेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं क्ल्यूज ढूंढते हैं कि कुछ ना कुछ सबूत मिले कुछ मिले से हम आगे उस केस में बढ़ सके देन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो भी उनके suspects जिन पे उन्हें शक होता है चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो चाहे कोई सस्पेक्ट हो चाहे कोई भी हो किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करते इसमें दिखाया जाता है ऐसे वाली स्टोरीज में कि वो केस को सोल्व करने के लिए बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बिल्कुल मैथोडिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं देन ट्विस्ट और टर्न भी आते हैं ऑब्वियसली डिटेक्टिव स्टोरीज में एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आते हैं हम सोचते हैं अच्छा अब ये इसे पकड़ लेगा लेकिन पता चलता है कि वो तो पुलिस वाले के साथ और एक्चुअल एक्चुअल में में चोर या फिर मर्डरर कोई और है तो अलग अलग सरप्राइजेस अलग अलग जो चीजें हैं वो मिलती रहती है ऑब्वियसली बात, बात है सेटिंग जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इसमें मूड को क्रिएट करने में और एटमोस्फेयर जो स्टोरी का है उसे भी चेंज करती है इसके अलावा रिसोल्यूशन एंड रिलेवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं जो डिटेल

ऐसे एजेंट के रूप में काम करते हैं यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलू तो ये जो डिटेक्टिव होती है ये न्याय के एजेंट के रूप में काम करते हैं यानी कि एजेंट ऑफ जस्टिस एज अ सर्व करते हैं ये. तो इससे क्या करते हैं कि जो अपराधियों ने अपराध किए हैं तो उस अपराध का परिणाम उन्हें क्या मिलेगा चाहे फांसी हो चाहे कुछ भी हो वो परिणाम मिलने के लिए उन्हें क्या करते हैं सामने लेकर आते हैं तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट की जो डिटेक्टिव स्टोरी जेनर होते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है मिस्ट्रीज होती है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं फिर उनका सॉल्व होता है एंड में जस्टिस दिलाते हैं सो एट द एंड हमने अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है अगर आप किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपके डाउट को करने की पूरी कोशिश करूंगी आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में आंसर को लिख सके इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू